तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसे कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहीं से हमारे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका कक्षा 10 भी गणित विषय के पेपर का दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप लोग समझ लें, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा होगा और आप सभी को अपने पेपर को कंप्लीट किस प्रकार से कर लेना है। यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे, ऐसा बिल्कुल आपका क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार आपके जो पेपर है ना, आप सभी को भी पता ही है वैसे तो कि सेट में आपके पेपर पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आपको सेट ए दे रहा हूँ, कल आपको सेट बी मिल जाएगा। आप सभी सेटों को अच्छे से कंप्लीट अगर कर लोगे ना तो पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, आप सभी लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन 94 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिएगा यह आ जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ये होगा c/a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, a1 a2 = b1 b2, तो समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का क्या होगा, तो देखिएगा ये अद्वितीय हल होगा। यहाँ से देख लें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के समान मूल हो तो समीकरणों के व्युत्क्रम का मान क्या होगा, तो देखिएगा ये होगा आपका 0। ऐसे आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, ap -3 और -1/2 2 का 10/11 पद क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका 22। ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का इसको नोट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। प्यारे विद्यार्थियों इतना इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दो समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा 81:16। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से नोट कर लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि आपको रिक्त स्थान लिखे हैं, रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, 3√2 एक संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, समीकरण का मान क्या होगा, तो देखिएगा इसका मान 4 आ जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या होगा, ये होगा -b/a। इस प्रकार से आप सभी लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी को कहते हैं, तो देखिएगा इसको कहते हैं समांतर माध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि आपको जोड़ी दी गई है, जोड़ी का मिलान कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, 9 और 27 का एचसीएफ क्या होगा, 9 आ जाएगा। त्रिघात बहुपद की घात कितनी है, 3 होगी। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा ई। चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका एफ होगा। और समांतर श्रेणी का एनवा पद ये हो जाएगा, सभी संभव त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जैसा मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे त्रैमासिक में पूछा जाना है, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस पेपर की पूरी तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है जिसमें कि आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो देखिएगा वास्तविक मूल होंगे। अगला क्वेश्चन, 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा, तो ये होगा 180। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित समकोण त्रिभुज होगा, तो ये उत्तर आ जाएगा हाँ होगा। अगला क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बिंदु ए
दो तीन और बी चार पाँच को मिलाने वाली रेखा के मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये होंगे आपके दो रूट दो। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर छठे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आ जाएगा जीरो जीरो। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर पाँच को देखते हैं जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य असत्य वगैरह आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल सत्य होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। आप सभी लोग यहाँ से इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्नोट नोज इक्वल टू जीरो, एक द्विघात समीकरण है, तो देखिएगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज समरूप समकोणी हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो देखिएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंदु की कोटि शून्य है और भुज तीन है तब एक्स अक्ष पर स्थित होगा, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बिंदु क्यू के निर्देशांक दो पाँच हो तो दो को क्यू की कहते हैं कोटि कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य होगा ये। ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इनको देखते चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः जिसमें कि लिखा है बिंदु माइनस आठ छः द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेना है। ए टू जेड में आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना बिल्कुल इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर तो आपका यही आ रहा है, मगर आप सभी लोग भी जानते हो उस बात को अच्छे से कि आपके जो पेपर है ना अलग अलग सेटों में पूछे जाते हैं। अब अलग अलग सेटों में पेपर आते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि कोई सा पेपर आपको जो मैं बताता हूँ ये बिल्कुल कभी कभी ऐसा कैसे मिल जाता है, कभी कभी आपको ऊपर नीचे क्वेश्चन मिलते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ए टू जेड यही कि यही क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। अब इसके अलावा देखिएगा आप क्या कर सकते हो कि ताकि आप सभी लोग पूरे नंबर ला पाओ, तो देखिएगा इसके लिए मेरे द्वारा आपको तीन सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, और अगर आप लोगों ने तीनों सेटों को अच्छे से याद कर लिया तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी उसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग ये जरूर करें कि प्रत्येक वीडियो को देख कर जाया करें, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको खास कर आप लोग अच्छे से देख कर जरूर जाया करें, जिससे कि आप सभी लोगों की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और आप सभी लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सके। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे जो कि मैंने आपको बताया है, ऐसे आप सभी को इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से देख ले क्वेश्चन नंबर सात लिखा है जो कि दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आठ लिखा है, क्वेश्चन नंबर नौ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। तो आप सभी को जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप सभी लोग इस जगह से इसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा गया है, आप सभी लोग इस जगह से इसको देख सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया, तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्यारे विद्यार्थी इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।